नमस्कार देवियों और देवता, आप लोगों का स्वागत है मेरे तीसरे ब्लॉग में। तो भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट ब्लॉग को ही वायरल करा दिया। जो मेरा माय फर्स्ट ब्लॉग था, उसको आप लोगों ने बहुत ही जल्दी वायरल कर दिया, उसके लिए आप लोगों का थैंक। और कुछ भाई मेरे जो यूट्यूब पे काम कर रहे मेरे जैसे हैं, तो भाई वो पूछ रहे थे कि किस तरह से वीडियो बनाए कि वायरल हो जाएंगे। तो बस मैं भी वीडियो सबकी तरह डाला और मेरा भी वीडियो वायरल हुआ। और ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैं कोई ट्रिक था यार ये था भाई, सिर्फ आपको ये करना है कि आपका थंबनेल सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई देखता है भाई तो आपको मतलब उस पर क्लिक करना चाहिए, उसको क्लिकबेट थंबनेल आपका होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई आपका वीडियो मतलब देख रहा है तो आपको उस पर क्लिक करे। जैसे कि आप कुछ लोगों को देखे होंगे कि वो लकड़ी में बांध के मोबाइल को रखे, तो भाई उस पर लोगों का फोकस ज़्यादा गया, क्योंकि यह कारण था कि लोगों का लगा कि भाई कैसे कोई लकड़ी में बांध के बना रहा है तो कैसे बना रहा है वीडियो, इसलिए उस पर गया। तो भाई सबसे पहले आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके बाद जो टाइटल हुआ, तो अगर आप माई फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग। तो अगर आप उसमें दूसरा कुछ लिखते हैं तो भाई ये अच्छा नहीं लगता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखा होना चाहिए माई फर्स्ट ब्लॉग, जिससे कि लोगों को साफ साफ पता चले कि हाँ भाई इसका फर्स्ट ब्लॉग है। इसलिए आपको सिर्फ उसमें माई फर्स्ट ब्लॉग ही लिखना है। हाँ, आप इमोजी यूज कर सकते हैं। और कुछ लोगों का है कि अब थंबनेल में वो मतलब पूरा भर भर देंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, साफ साफ होना चाहिए आपका थंबनेल भी, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ आप थंबनेल से कि आपका फर्स्ट ब्लॉग है। और सबसे मेन चीज जो सबको फॉलो करना चाहिए, अगर आप माई फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना एक न्यू जीमेल क्रिएट कीजिए, और उससे आप अपने YouTube चैनल पे चैनल क्रिएट करके उस पर ही डालिए, और माई फर्स्ट ब्लॉग उससे डालिए, जिससे कि वायरल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। और फिर बात रहा टैग की, तो भाई आपको टैग में लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल, माई फर्स्ट ब्लॉग टूडे करके ऐसा टैग में लिखना है। और उसमें टैग में आप मतलब बड़े बड़े जैसे ब्लॉगर, उनको आप टैग कर सकते हैं, इससे आपका वायरल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में आप क्लिकबेट जो मतलब सर्चेबल कंटेंट है, मतलब जो लोग सर्च कर सकते हैं, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ आता है वो सब चीज़ लिख दो। जैसे माय फर्स्ट ब्लॉग को कोई कैसे कैसे सर्च कर सकता है, माय फर्स्ट ब्लॉग इन विलेज, माय फर्स्ट ब्लॉग इन टाउन, ऐसा करके आपको लिखना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कोई सर्च भी कर रहा है तो उसमें सर्च में आपका भी वीडियो आएगा, और 100% उस पर लोग क्लिक भी करेंगे, अगर आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। सब मेन चीज़ मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। तो भाई मेन चीज़ सबसे वो है थंबनेल का, तो आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। तो होप आप लोगों का ये खत्म हो गया होगा प्रॉब्लम। और भाइयों, कुछ लोगों का कमेंट यह था कि भाई आप जो पीछे का कलर है बैकग्राउंड वाला वो कैसे चेंज करते हो, तो भाई वो मैं काइनमास्टर से जब एडिट करता हूँ तो उससे ही अपना चेंज करता हूँ। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे चेंज करता हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं एडिट करके बताऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे मैं कलर चेंज करता हूँ बैकग्राउंड का। तो भाई कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि वो फर्स्ट ब्लॉग तो बना दिए, लेकिन अब दूसरा तीसरा ब्लॉग किस चीज़ पर बनाए तो लोगों को अब पता नहीं चला। तो भाई आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, उसमें ही आपको मिल जाएगा कि आपको तीसरा और चौथा ब्लॉग किस चीज़ पर बनाना है, वो खुद लोग आपसे डिमांड करेंगे। अगर आपके वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, आपके ब्लॉग को अगर पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको खुद ही आपसे बोलेंगे कि इस चीज़ का आप वीडियो बना। तो आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, उसमें आपको खुद ही मिल जाएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, क्या बनाना है। तो जैसे ही मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, तो यूट्यूब की ओर से मुझे एक ईमेल पे मैसेज आया कि आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। और जब मैं यह मैसेज देखा तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि मेरा 100 हो गया है। तो भाइयों, इसके लिए फिर से भाई बोल रहा हूँ थैंक यू, और फर्स्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, अभी इसी के साथ अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं, मतलब इसी पर एंड करते हैं। तो भाइयों, जय हिंद।